है आज में उपस्थित व्यक्ति लोगों से व्यवसाय जीवन संघ के शाखा मंत्री सचिन सिंह जी, शाखा अध्यक्ष बड़े भाई दिनेश गुप्ता जी, सम्मानित पदाधिकारीगण, छोटे भाई योगेश जी, मनोज निगम जी, मूर्ति जी, मिश्रा जी, और जो सम्मानित हमारे बहादुर साथी महिलाएं जो भी हैं, सबका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। साथियों, पहले बात तो ये कहना चाहता हूँ कि हर महीने की 22 तारीख को गेट मीटिंग हो, इसका मतलब ये नहीं कि 22 तारीख से पहले आपके शाखा मंत्री आपको मिलने नहीं आए। इस बात को आप जानेंगे, जब आप बुलाएंगे तब आपका शाखा मंत्री आपसे मिलने आए। जो भी आपकी समस्या है, कोई भी चीज़ हो, आएंगे और मैं तो 24 घंटे आपके साथ हो, तो तनिक भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एनपीएस एक गलत समस्या है, हमारे सारे भाई एनपीएस में हैं। कुछ लोगों को ये है कि अगर एनपीएस मिलेगा तो हमको भी मिल जाएगा, लोगों के मन में है कि यार हम न जाए मीटिंग में, हम नहीं जाते हैं। एनपीएस जब होगा तो जब ओपीएस मिलेगी तो हमको भी तो मिलेगी, ऐसे नहीं होता है। सबको मिल के जुल के उसको सफल बनाने के लिए आपको विरोध करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ भारत सरकार तक पहुँचानी पड़ेगी। संगठन क्या होता है आपको बताओ, संगठन एक माध्यम होता है आपकी आवाज़ को ऊपर ले जाने का। आप अकेले खड़े होकर किसी अधिकारी का मुद्दा बात करते रहिए, देखिए क्या होता है, तुरंत 2 मिनट में अभिमुख हो जाओगे। भारत सरकार खिलाफ आप अकेले खड़े होकर एनपीएस की मांग करते रहिए, नहीं होते। संगठन आपको आपकी आवाज़ को ऊपर ले जाने के लिए मंच देता है। कोई भी नीतियाँ लागू होती हैं, कोई भी रेल में, चाहे रेलवे बोर्ड से लागू हो, GM ऑफिस से लागू हो, DRM ऑफिस से हो, बिना संगठन के राजामंदी से, बिना संगठन के ओपिनियन लिए कोई भी नया काम प्रशासन नहीं करता। आप देखे होंगे कोई भी लेटर GM ऑफिस से निकलता है, DRM ऑफिस से निकलता है, तो उसमें हर यूनियन को कॉपी होती है, एसोसिएशन को कॉपी होती है। हर महीने DRM ऑफिस में प्रेम की मीटिंग होती है, इसमें सारे हर संगठन के नामित लोगों को बुलाया जाता है और प्रशासन के साथ उनकी मीटिंग होती है कि रेल को या डिवीजन को कैसे आगे ले जाया जाए, क्या क्या इसमें किया जा सकता है और क्या क्या नहीं होगा। तो अगर आप लोग के दिमाग में कोई भ्रमित कर रहा है कि संगठन ये संगठन न रहे तो आप यहाँ नौकरी नहीं कर पाओगे। अभी कैडर की बात की, कैडर का मुद्दा NCERA शुरू से उठाती आई है, भली बात सबको पता है। कैडर बनने से क्या फ़ायदा हुआ है, बहुत लोग गुंडा कर रहे हैं कैडर बन गया, ये हो गया वो क्या, कैडर बनने से क्या फ़ायदा हुआ है? मैं आपको बताऊँ संक्षिप्त में, कैडर बनने से आपका चैनल ऑफ प्रमोशन खुल गया, यहाँ पे मिल राइट का पोस्ट बनेगी, यहाँ पे वेल्डर की पोस्ट मिलेगी, यहाँ पे क्रेन ड्राइवर की पोस्ट होगी, यहाँ पे JEE की पोस्ट होगी। दूसरी चीज़, पूरे NCR में मेमो सेट केवल कानपुर में है, तो आपकी सीनियरिटी केवल मेमो सेट में ही रहेगी, न कि किसी के साथ रहेगी। आप खुद बताओ कि आप 150 स्टाफ हो, 100 स्टाफ हो, आपकी सीनियरिटी 100 में है, तो आप कहाँ जाओगे? ये आपको समझने की बात है। आप लोग खुशनसीब हो कि आज यहाँ पे हो, आपका कैडर इतना जल्दी कहीं का कैडर नहीं बनता है। ये NCERA की देन है, मंडल अध्यक्ष की देन है कि इतना जल्दी हमारा कैडर बना। और ये चैनल आप जैसे ही सीनियरिटी आपकी बनेगी, आप खुद देखोगे कि आपका प्रमोशन कैसे होता है। अभी कुछ बच्चे हमारे जो TL से मेमो से हैं, वो कहते हैं हम लोग TL से प्रमोशन करा दिया जाए। यहाँ मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि मेमो सेट में इलेक्ट्रिकल भी स्टाफ है, मैकेनिकल भी स्टाफ है। आप कहते हो कि आपको TL से जोड़ दिया जाए, आप इलेक्ट्रिकल के हो तो TL से जोड़ दिया जाएगा, और जो हमारे मैकेनिकल के स्टाफ होता है वो CMW से जोड़े जाएंगे। ऐसा कहीं हुआ है? इलेक्ट्रिक लोगों सेट में इलेक्ट्रिकल स्टाफ भी है, मैकेनिकल स्टाफ भी, लेकिन उसका कैडर अलग है, उसमें सब लोग समाए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आप लोगों का प्रमोशन जब तक मेमो सेट का कैडर नहीं बनेगा आप लोग, वही हुआ, आपका कैडर बना, आप प्रमोशन आपके होंगे। इतना जल्दी हम लोग काम करके देंगे उतना जल्दी प्रमोशन होगा। तो आप लोग जुट रहिए, अपनी आवाज़ को, रही बात लोकल समस्या, तो लोकल समस्या देखो हम साफ साफ बात करना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई सुपरवाइजर हो, कोई साथी हो, कोई स्टाफ हो, अगर वो स्टाफ का नहीं है तो NCERA उसके साथ नहीं कर देगी, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, अगर वो स्टाफ के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा है तो हमारी संस्था उसके साथ खड़ी नहीं होती। हम स्टाफ के लिए खड़े होते हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए संस्था नहीं होती है, संस्था सबको लेके चलती है, कोई व्यक्ति विशेष की संस्था हम नहीं चला रहे हैं।
हम सबको ले कर चला रहे हैं ना, हम यहाँ आए आज मीटिंग कर रहे हैं आपको मतलब, आप लोग पिछली मीटिंग हुई थी उसके बाद यहाँ के लोगों प्रशासन द्वारा कुछ लड़कों को हाफ सीरियस दे दो, फलाना सीरियस दे दो, भूल दिए दे दो, उम्र उड़ाया गया। उसके बाद ये भी महोदय ने आप लोगों को बुला के कुछ कहा भी कि यूनियन ये करती है, यूनियन वो करती है, इतने देर मीटिंग नहीं करेगी। आज फिर मीटिंग हुई और डीएमई महोदय के संज्ञान में डाल के मीटिंग हुई, उन्होंने बस यही कहा समय अनुसार मीटिंग करके अपना खत्म कर दिए। ऐसा नहीं है, प्रशासन की जान रहा है। हम मान्यता प्राप्त यूनियन है, 2013 के चुनाव में एनसीआरए पूरे ऑल ओवर इंडियन रेलवे में एक नंबर पे आई थी, तो हमारी जिम्मेदारी भी एक नंबर की। और आप लोग रुपये लोकल समस्या जो भी है आपस में मिलजुल के काम करना है, 100 का स्टाफ है, 100 बच्चे 20-25 तो बाहर ही हैं, रेगुलर काम करने वाले हमको लगता है 50 या 60 स्टाफ है मुश्किल से, और कौन है? और इसी में हम फलनवा ये वो, तो देखो भैया वो सब चलता है, घर में बर्तन जा रहा हो तो खटकते हैं, तो लेकिन खटरा उतना ही हो कि नहीं खत्म होगा, इसको ऊपर ना ले जाए। जो काम नीचे स्तर पे आप खत्म कर लोगे ऊपर ले जाओ, हम तो ये है कि प्रशासन अगर आपको परेशान कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, हम उनके साथ खड़े वार्ता करने के लिए तैयार हैं। किसी के कुछ मत जाइए, किसी के बेकार, सब लोग अपना अपना काम करें, आप अपने बारे में सोचो, अपने काम के बारे में सोचो। SSC का तो कोई भी SSC हो, कभी भी कोई भी SSC A to Z, कभी भी SSC किसी स्टाफ का होता ही नहीं है, मैं भी स्टाफ रहा, वो प्रशासन की बात करते हैं, आपकी बात नहीं करेंगे। जहाँ उनकी अपनी गोटी फंसी आपको आगे कर देते, कभी आज मार्ग देखूंगा फिर आप कहाँ जाओ। तो हम तो ये कह रहे हैं चाहे कोई SSC हो, कोई सुपरवाइजर हो, कोई भी हो, अगर वो आपके साथ नहीं खड़ा है तो हम उसके साथ नहीं खड़े, चाहे कितना भी प्रिय हो। संस्था अलग है, व्यक्तिगत व्यवहार अलग है, संस्था से सरोपरी कोई नहीं। साथियों मैं यही बात कहूँगा कि आप लोग जुट रहें, मिलजुल के काम करें, कोई समस्या हो तो लोकल समस्या आपके ट्रांसपोर्टिंग महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे लिए कोई सेवा हो भी करें, और आप लोगों को काम भी करना है, अपने महोदय से कहा भी था 4 बजे पहले काम खत्म कर देंगे। मैं यही चाहता हूँ कि सभा के साथ अपनी पार्टी विराम करता हूँ, सभा समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।